the theater. The time starts now. Hello, I am Pankaj Kumar for this Microsoft Community Sam and Power. तो आज हमारा जो जो बात करने वाले प्रॉब्लम के ऊपर तो फार्मर्स की सुसाइड के ऊपर बात करने वाले जहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ महाराष्ट्र में। तो अभी हम थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, हम लोग लंच करने जाएंगे, लंच करने जाएंगे, अन्न खाएंगे। वो अन्न कहाँ से आता है, किसान उपजाते हैं, तो उसको जाने वाले किसान हमारे सुसाइड कर, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो उसको लेकर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वहाँ के किसान सुसाइड कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उनके पीछे कारण है कि उनको जो वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जैसे कि उनको सिंचाई का पानी का व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे साधन ड्राई हार्ड मिट्टी है, जिसके कारण उनको ये सब सामना करना पड़ता है। दूसरा MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं, वो उनको एक्चुअल जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उसके बाद क्या है, कर्जा, तो कर्जा इतने कर्ज में दबे हुए हैं कि किसान उसके कारण भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, तो सोल्यूशन निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा क्या होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये हमारा होगा कि हम क्या करेंगे, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम लगाएंगे वहाँ पर। उसमें क्या करेंगे, उसके लिए वहाँ पर बहुत सारा मतलब जमीन जो है खाली पड़ा है, वहाँ पर हम वृक्षारोपण करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन करेंगे तो उससे एक प्रोसेस बनेगा जिसके थ्रू बारिश होगा और वो पानी जमीन में जाएगा, तो भूजल स्तर हमारा बढ़ेगा, तो उससे वाटर की समस्या का समाधान हो सकता है। उसके बाद फार्मिंग ग्रुप बना सकते हैं, मतलब किसान का छोटा छोटा एक समूह बनाएंगे और उन किसान को जो पैसे की समस्या है या कर्ज लेने के लिए दिक्कत होता है, जो साहूकार से लेते हैं, बैंक से, बैंक भी उनको प्रोवाइड नहीं करती है प्रॉपर, तो ग्रुप में जो अच्छे किसान होंगे जिनके पास पैसा होगा वो उस ग्रुप में पैसा डालेंगे और उसके एक फंड इकट्ठा हो जाएगा, और जो गरीब किसान है तो वहां से फंड लेकर अपना जो भी उनको समस्या आ रही है फाइनेंशियल उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तीसरा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग में पॉन्ड पॉन्ड तालाब मतलब वहाँ बौरी खोलते हैं, तो बौरी खोल सकते हैं, बौरी खोल सकते हैं, तो उससे पानी का एक समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरा बात, वहाँ पे सोयाबीन और कॉटन की खेती बहुत होती है, तो उसके लिए जो प्रॉपर वाजिब दाम है वो बाहर से जो माल आता है उसके कारण वहाँ पे उनका जो खरीद बिक्री नहीं हो पाता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि उनको उन्होंने टैक्स फ्री नहीं किया है। तो गवर्नमेंट अगर हम लोग ऐसे संस्था के साथ जुड़ जाएंगे और टैक्स फ्री वहाँ हो जाएगा तो ये उनको सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए हमारे कॉम्पिटिटर जो वहाँ पे है, एक नाम फाउंडेशन करके है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है, उसके बाद सेव इंडियन फाउंडेशन करके है जो किसान सुसाइड कर रहे उनके फैमिली को वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, यानी उनकी जो वाइफ होती है उनको वो पैसे देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम स्टेटमेंट और सोल्यूशन और जो कॉम्पिटिटर है इनके साथ हम एक चेन बना के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।